अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं करने जा रही हूँ स्किन केयर रूटीन, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है स्टेप वन, जो कि है क्लिनजिंग। ये मैं यूज़ कर रही हूँ मिनीसो का। इससे हम अच्छी तरह क्लिनजिंग करेंगे। इसके साथ ब्रश भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ब्रश के साथ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो इसको मैं अब अच्छे से क्लिनजिंग कर रही हूँ। आप 10 to 15 मिनट्स क्लिनजिंग करेंगे, देन आप अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं या स्पंज की मदद से साफ भी कर सकते हैं, बट अगर वॉश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। देन अब है स्टेप टू, जो कि है स्क्रबिंग। इसके लिए मेरे पास दो स्क्रब हैं, एक है क्लीन एंड क्लियर का और दूसरा है एस्टलिविस का, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं सेंटोरस अल्फते से। तो आप इनका इंस्टाग्राम पेज है, मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो इसका दूसरा वाला है स्क्रब, ये ट्री ट्री है, तो ये पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कभी रात में 2-3 दिन बाद स्क्रबिंग करनी हो तो ये बहुत बेस्ट है, वरना आप ये क्लीन एंड क्लियर का भी स्क्रब कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। सो इसको भी 10 to 15 मिनट्स करेंगे। स्क्रब को ज़्यादा हम नोज़ पे और चिन एरिया पे करेंगे, जहाँ पे हमारा ब्लैक हेड्स वगैरह का ज़्यादा इशू होता है। तो अब मैंने इसको भी वॉश कर लिया है। स्क्रब से आपकी सारी डेड स्किन वगैरह सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाता है, अच्छे से आपकी स्किन साफ़ हो जाती है। तो अब यहाँ मैंने स्क्रब भी मैं कर चुकी हूँ। देन आप अपने फेस पर थोड़ा सा टोनर भी लगा सकते हैं। एंड अब मैं लगा रही हूँ शीट मास्क, जो कि माले के हैं, MALIE, I डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। सो वेल, ये बहुत ज़्यादा मास्क हैं, आई थिंक सो 12 या 15 मास्क हैं शीट मास्क। तो समर्स में शीट मास्क इज़ वेरी गुड कि आप वो यूज़ करें। तो ये मैं ग्रीन टी का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पिंपल्स का इशू है, तो इससे मेरे काफ़ी जो है वो पिंपल्स वगैरह सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये होता है ऑयली, तो आप इसको अच्छी तरह से पहले अपने फेस पे लगाएंगे, जो कि मुझसे बहुत मुश्किलों से लगा है। तो आप इसको पहले अच्छी तरह अपने फेस पे लगाएंगे, एंड जितना भी इससे ऑयल वगैरह निकला है उसको आप अपने नेक पे, हाथों पे अच्छी तरह लगा सकते हैं। इसको आप ड्राई रहने तक अपने फेस पे रखेंगे, चाहे ये 15 to 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है पूरा। आप इसको 5 मिनट बाद अपने हाथों से मसाज करेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो आप अपने हाथों नेक वगैरह पर लगा सकें और कुछ ज़ाया ना हो। सो इसको हम अपने फेस पे लगाए रखेंगे। अगर आप लोगों ने अपने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने हो तो वो स्क्रबिंग के बाद वाला स्टेप है, कि आप पिन से, स्ट्रिप से, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर लें स्क्रबिंग के बाद। क्योंकि मैंने नहीं करने थे, क्योंकि मैंने किए हुए थे, इस वजह से मैंने नहीं किए। अगर आपने करने हों तो आप स्क्रब के फ़ौरन बाद कर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 15 to 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और मास्क कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे, एंड देन चाहे तो आप मेरी तरह फेस पे भी लगा सकते हैं साफ़ करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो चुकी है, मुझे हाथ लगाने से भी बहुत सॉफ्ट फील हो रही है। तो सो या दैट्स अबाउट इट, ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। इफ़ यू वांट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, आप काइंडली वो खोल के देख लेगा। अगर किसी को पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, जो मैंने टाइटल दिया होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्लो, इट्स नेचुरल. सो या